इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार से चार धाम यात्रा के लिए मिलने वाले गवर्नमेंट बस और प्राइवेट बस शेयर टैक्सी के बारे में बताएंगे, आपको सही समय बताएंगे ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो सके। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। हम अभी खड़े हुए हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे, और आप जानते ही हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से सारे जगहों से गाड़ी यानी ट्रेन मिल जाता है, और यहाँ से बस स्टैंड की दूरी बस आपको ये रोड क्रॉस करना होगा, और बस आपको आते जाते दिखाई भी दे रहे होंगे। चलते हैं, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे हरिद्वार यात्रा से जुड़ी, और हम आपको बताएंगे साथ में यहीं से ही चार धाम की यात्रा भी शुरुआत होती है। तो चलते हैं, चार धाम की यात्रा के लिए आपको गाड़ियाँ कहाँ मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ये तो आप देख रहे हैं ये टैक्सी स्टैंड है या पार्किंग कह सकते हैं, और टैक्सी इसमें काफ़ी सारे टैक्सियाँ भी हैं, देख रहे हैं टैक्सी खड़े हुए हैं। आपको यहाँ से ही गाड़ियाँ मिल जाएंगी चार धाम के लिए, और साथ में यहाँ से बाहर जैसे निकलेंगे आप तो आपको काफ़ी सारे सुविधा मिलेंगे। चलते हैं, बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये जो ऑटो आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं ये आपको ऋषिकेश तक का ड्रॉप करेंगे। ऋषिकेश का किराया कितना ये भी हम आपको पूछते हैं अभी। ये यहाँ की बस स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ से आपको चार धाम के लिए टैक्सी मिल जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी सारे टैक्सी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये बुकिंग सेंटर है। चार धाम के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और साथ में अभी प्राइवेट बस कहाँ पे मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे करा पाएंगे। यहाँ से ऋषिकेश के जाने का 70 रुपया किराया है ऑटो से, और बस से भी हम पूछ लेते हैं। बार कपाट खुलने का जो तारीख है वो 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में है, तो 5 दिन के अंदर ही चारों धाम के दरवाजे खुल जाएंगे। अभी हम खड़े हुए हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के पास इस बस स्टैंड पे, और यहाँ से आपको सारे जगहों के बस मिल जाएंगे, चाहे वो आप दिल्ली जाए या चंडीगढ़ जाए, हरियाणा जाए, हिमाचल जाए, और साथ में यूपी की भी यहाँ से बसेस काफ़ी सारे चलती है। तो चलते हैं, आपको एक एक चीज का जानकारी देते हैं ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो सके। ये है यहाँ की इंक्वायरी सेंटर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्यतः यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और आप इन जगहों पे आराम से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप चार धाम यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला जो टैक्सी स्टैंड है वो यही है, और उनका अगर बुकिंग ऑफिस की बात कहें तो सामने आपको बुकिंग ऑफिस दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाके आप बुकिंग करा सकते हैं और उत्तराखंड की यात्रा आप कर सकते हैं। ऐसे तो चार धाम के लिए हमने बस की भी आपको सेवा अभी दिखानी है, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। आपको हरिद्वार के लिए या फिर ऋषिकेश के लिए बस और ट्रेन की सुविधा मिल जाता है, आप दोनों ही जगह से चार धाम की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। ये है हरिद्वार का बस स्टैंड, आपको चार धाम यात्रा के लिए बसेस और टैक्सी यहीं से मिलेगा। यहाँ पे ये बसेस का ऑफिस है, ये देख रहे हैं, ये है यहाँ कई चार धाम यात्रा कराने वाली बसेस। हर एक धाम के लिए अलग बस मिलेगा आपको। अभी सुबह के 8 बजे है, गुप्त काशी गौरीकुंड के लिए बस यहाँ पे आपको मिलेगा, और सवारी बैठे हुए पैसेंजर इसमें। यहाँ पे इनकी ऑफिस है, टेहरी गढ़वाल मोटर्स के ऑपरेशन लिमिटेड, चार धाम बुकिंग कार्यालय। और इधर में आपको गवर्नमेंट बसेस की सेवा मिल जाएगा। एक गुप्त काशी तक जाएगा बस, कितना रुपया किराया है यहाँ से? गौरीकुंड कितना रुपया किराया है यहाँ से? 500। कितने घंटे का सफर लगेगा? 8 घंटे लगेगा। सुबह कितने समय से बस मिल जाता है यहाँ पे? 4 बजे से मिल जाता है। कितने सारे बसेस आपको मिल जाएंगे यहाँ से, आराम से आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। उत्तरकाशी के लिए वहाँ पे लगा है, कोटद्वार, उखी, कोट चोपता, सारे जगहों के बस यहाँ से आपको मिल जाएंगे।
देख रहे रुद्रप्रयाग के लिए गाड़ी यहाँ से मिलेगा, काशी चंबा के लिए गाड़ी वहाँ से मिलेगा, कर्णप्रयाग चमोली के लिए यहाँ से मिलेगा। ऐसे सारे बसेस लाइन से लगे हुए हैं, तो आप आराम से चार धाम के लिए बसेस यहाँ से मिल सकता है। देख रहे जोशीमठ बद्रीनाथ, ये चार धाम यात्रा की बुकिंग ऑफिस कार्यालय है। यहीं से आप जब चार धाम की यात्रा शुरू होती है तो आप यहां से बुकिंग कर सकते हैं, यहां से बसेस आपको मिल जाएगा। चार धाम के लिए पूरे बस यहीं से मिलते हैं, तो आप यहां पे आ सकते हैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आपको बस मिल जाएंगे। और कार्यालय यहां का आप देख रहे, यहाँ पे कार्यालय है। और चार धाम की बुकिंग करने के लिए आपको तो पंजीयन का ऑफिस हमने आपको दिखाई दिया है। समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें, सीजन के दौरान यहाँ पे जो बसेस है 4 बजे से निकलना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।